हेलो दोस्तों, एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दुबई में हम मीना बाजार में घूम रहे हैं, मतलब यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी खाने के लिए या ख़रीदने के लिए, गिफ्ट के तौर पर घर ले जाने के लिए, और उसके बाद कोई और मिशन पर हम लोग निकलेंगे। फिलहाल मीना बाजार में आपको दिखाते हैं। दोस्तों टाइम हो चुका है 2:26 और सुबह से हम लोग मीना बाजार में ही घूम रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चेक की और हमने कुछ चीज़ें बाय भी की हैं घर पर गिफ्ट के तौर पर, जैसे कि खजूर और चॉकलेट्स, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी, और अपने फ्रेंड के लिए आईफोन भी लेना था तो उसके लिए आईफोन भी कई सारी शॉप्स पर पता किया। लगभग सेम रेट ही बता रहे हैं, थोड़ा 100-150 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब लोग सेम डिफरेंस बता रहे हैं। आईफोन 12 प्रो बाय करना है, आईफोन 13 प्रो के प्राइस यहाँ पर बता रहे थे 4,500 दिरहम और आईफोन 12 प्रो के 3,500 दिरहम। तो आईफोन 12 प्रो हमने डिसाइड किया बाय करने का, तो वो करेंगे बाद में बाय। फिलहाल के लिए एक रेस्टोरेंट में आए, यहीं पर रास्ते में पड़ गया था, अल नहश रेस्टोरेंट नाम है इसका, काफ़ी अच्छा लगा तो यहाँ पर आकर हमने मंदी बाय की है। तो मंदी को खाते हैं लंच के तौर पर, उसके बाद चलना है डिजर्ट सफारी पर। यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से इंतजाम किया हुआ है, ये है मटन मंदी और उसके साथ इन्होंने सूप दिया है और एक और ये टोमेटो वाला जो साथ में देते हैं, रायते की जगह पर हम लोग रायता ज़्यादा करते हैं, ये चटनी टोमेटो की ये देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको बैठ कर आराम से खाना है। वो हमारे सामान रखे हुए जो हमने बाय किया है, खजूर के डिब्बे और भी दूसरी चीज़ें। तो अब यहाँ पर लंच कर लेते हैं और फिर चलते हैं डिजर्ट सफारी। दोस्तों इन्होंने जो मंडी के साथ सूप दिया है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, उसे मैं फोन से चेक करके आपको बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी अच्छा था, स्पाइसी टेस्ट, मतलब इंडियंस को पसंद आएगा, ये ऐसा नहीं है कि एकदम फीका हो, इसमें मतलब मसाले इन्होंने डाले हुए हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और अब मंडी को भी ट्राई कर लेते हैं, मंडी को, मंडी मेरे मुँह से निकलता है। लाजवाब है, तो इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, खा कर ही आपसे मिलता हूँ। लंच करने के बाद जल्दी जल्दी में वीडियो नहीं बना पाया, हमने डिजर्ट सफारी बुक की थी, हमें लेट हो रहा था और अब यहीं पर आ चुके हैं। थोड़ी सी शाम हो गई, थोड़ी भी क्या ज़्यादा शाम हो गई, और थोड़ी देर में अभी अंधेरा भी हो जाएगा। हम लोग को ये लोग फोर्ड एक्सप्लोरर से यहाँ तक लेकर आए हैं रेगिस्तान के बीच में, और अब हमें लैंड क्रूज़र से जाना है, तो लैंड क्रूज़र तक चल रहे हैं हम लोग और उसके बाद उसमें बैठेंगे और फिर डिजर्ट सफारी करेंगे और उसके बाद जो भी होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इन लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी ऊंचे, वैसे देखने में ये ड्यून्स उतने ऊंचे नहीं लगते पर यहाँ पर जब हम आए और जो ये लैंड क्रूज़र से राइड करवाई थी बहुत ज़्यादा ऊंचे, आप देख सकते हैं कितने नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं।
और अब हम लोग करेंगे कैमल राइड। और ये मैंने रुमाल यहाँ का जो ट्रेडिशनल अरेबिक है इसे ले लिया है, और इसके बाद हम लोगों को कैमल राइड करना है, फोटो शूट करवाना है, फिर डिनर करना है। वहाँ पर डिनर के लिए सारा सामान बना हुआ है, सारी चीज़ें, और फिर यहाँ से चलेंगे हम वापस। दोस्तों कैमल राइड और सफारी के बाद अब हम लोगों को ये जो कैंप लगा है यहाँ पर बैठा लिया गया है। यहाँ पर हमें वेट करना है 7 बजे से, स्नैक्स शुरू होंगे, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले सकते हैं। हालांकि जो सफारी थी उसमें मज़ा काफ़ी है, पर वो बहुत कम देर के लिए कराई, केवल 3-4 मिनट 5 मिनट आप कह सकते हैं, या फिर शायद उससे भी कम। पहले उन्होंने बोला था कि 15 मिनट कराएंगे, पर इतनी कम देर करा के उन्होंने छुट्टी ले ली, तो ये सब चीटिंग करते हैं। और अभी ये लोग केवल पानी दे रहे हैं इस वजह से, क्योंकि अगर किसी का मन करे सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने का, क्योंकि 1 घंटा है तो उसे बाय करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो बाय कर लेते हैं तो इनका बिजनेस और ज़्यादा चलता है, इसी वजह से लोग 1 घंटे तक नहीं देंगे, 1 घंटे के बाद फ्री में देना शुरू करेंगे। 1 घंटे तक आपको जो भी चीज़ लेना है उसको बाय करिए, पानी फ्री में मिलेगा। दोस्तों अब डिनर का टाइम हो चुका है, और डिनर में कुछ स्पेशल ज़्यादा टेस्टी चीज़ें नहीं है, पर हाँ चिकन बारबेक्यू है जो सबसे टेस्टी है। इसके अलावा ये बिरयानी नहीं है, पर बिरयानी की तरह के चावल है, और साथ में छोले और वेजिटेरियन के ऑप्शन हैं, और ये रोटी है, और ये अरेबियन डिज़र्ट है। तो यही कुछ मिला है, और कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग अनलिमिटेड ले सकते हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही सब डिनर में है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ ऐसा डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा। बस प्रॉब्लम एक हो गई थी कि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, इसीलिए सनसेट देखने को नहीं मिला। कोशिश करें आप लोग जल्दी जाने की। हम लोग मार्केट चले गए थे, मार्केट से आते 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 थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो टाइम लग जाता है। बाकी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, खाना उतना अच्छा भी मुझे नहीं लगा। और ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी।